लेट अस स्टार्ट विथ अ न्यू क्वेश्चन ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एआईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ 0.56 ग्राम ऑफ O2 एंड क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। तो इसका मतलब है ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो रिएक्शन में क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, गेट्स कंज्यूम। मतलब ये रिएक्शन के जो प्रोग्रेस है उसको स्टॉप कर देता है। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ये किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे। कितना, कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा ये भी बताएगा, और कितना लेफ्ट होगा ये भी बताएगा। तो सबसे पहले क्या दिया आपने को, मैग्नीशियम, जो तो किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से, और दोनों लोग मिलकर क्या बनाएंगे, MgO। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो हम लोग किस में बातें करेंगे, जब ये रिएक्शन दिया होगा तो हमेशा मोल्स में 2 मोल विथ 1 मोल एंड विल फॉर्म क्या, 2 मोल। अब इस पर 2 मोल कितना होगा, 2 × 24 ग्राम, इनका 1 मोल होगा 32 ग्राम, और इनकी जरूरत हमें है नहीं, तो हम कैलकुलेटिंग के बारे में सोचेंगे क्यों, क्योंकि हमें केवल लिमिटिंग और एक्सेस बताना है। तो ये इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं 16 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा आपका 3 ग्राम, और ये करेंगे तो आएगा आपका 2 ग्राम 2 ग्राम। तो मतलब 3 ग्राम मैग्नीशियम को कंप्लीटली बर्न करने के लिए 2 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बट आपको इन्फॉर्मेशन जैसे, अब इसको हम लोग कैसे, हम लोग कैलकुलेट निकालना लिमिटिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस 3 ग्राम जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करता है, तो उसके लिए आप ये साइन लगा सकते हैं, इक्वल टू है कितने ग्राम के बराबर, 2 ग्राम O2। इसलिए आप कितने पे निकालेंगे कि 1 ग्राम मैग्नीशियम विल रिएक्ट 2/3 ग्राम ऑफ क्या, O2। 2/3 ग्राम ऑफ O2 का मतलब कितना है, 0.67 ग्राम ऑफ O2। फिर आप यहाँ पे देखिए कितने ग्राम आपके पास एक्चुअल में है, 0.56, और आपको कितने की, ये रिक्वायर्ड है, ये आपको रिक्वायर्ड है। बट आपके पास अवेलेबल कितना है, ये अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये अवेलेबल है। तो आपके पास जो अवेलेबल है वो कम है कि ज्यादा, आपके पास जो अवेलेबल है वो कम है, ये लेस है, और ये जो आपके पास रिक्वायर्ड वो ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि O2 जो कम है, तो मतलब ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ये पहले ही फिनिश हो जाएगा। और जब आपने एक बार लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर लिया, तो आपने डिसाइड कर लिया भाई कि एक्सेस कौन है, तो एक्सेस कौन है, मैग्नीशियम। अब 2 ऑप्शन में ऑक्सीजन एक्सेस में था, 2 में मैग्नीशियम, तो इसका मतलब दूसरा और चौथा ऑप्शन पे चला गया। अब या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। तो अब पहला तो क्लियर होगा कि एम जी तो है, अब हमें निकालना है कि जो एम जी है वो अगर एक्सेस में है तो कितना एक्सेस में, मतलब कितना बचेगा। उसके लिए अब आपको क्या करना है, उसके लिए हम लोग इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ साइड पर क्या, अब इसको किधर से सोचने का भाई, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, O2। तो अब O2 की तरफ से सोचना है क्या, सिंस 2 ग्राम जो O2 है वो कितने ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, 3 ग्राम मैग्नीशियम से। बट आपके पास कितना O2 है, 0.56 ग्राम O2 है, तो ये कितने से रिएक्ट करेगा, 3 × 0.56 / 2 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा। और ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये 0.84 ग्राम। मतलब आपके पास जो अवेलेबल, यहाँ पे जो लिखा था, जो आपके पास अवेलेबल है मैग्नीशियम, अवेलेबल मैग्नीशियम कितना है, एक बार मैं इसको पिकअप करके फिर से, अवेलेबल मैग्नीशियम कितना आपके पास है, ये 0.56, ठीक है। तो ये 0.56 मैग्नीशियम कितने से रिएक्ट कर रहा है, 0.84, बट आपके पास है कितना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना आपके पास है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम है, तो लेफ्ट मास ऑफ मैग्नीशियम या एक्सेस, और एक्सेस भी ले सकते हैं, एक्सेस मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, कितना है आपके पास, 1। उसमें से कितना रिएक्ट कर रहा, कितना रिएक्ट कर रहा, कितना रिएक्ट कर रहा भाई, ये कितना रिएक्ट कर रहा, ये रिएक्ट कर रहा है 0.84। तो 0.84 माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा, 0.6 ग्राम। इसका मतलब मैग्नीशियम एक्सेस में है, और कितना बचेगा वो 0.16। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन। एक बार फिर से इसको देखिए, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे लिमिटिंग रीजन वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, और भी मैं क्वेश्चन ट्राई करता रहूँगा, आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको देखते रहिए। ओके, थैंक यू।